खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या को लेकर आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ताल थाने पर दिल्ली में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड के चलते ताल प्रभारी अमित सरस्वत को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। दिल्ली के बजरंग दल में दबंग कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की कुछ गुंडों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस विरोध में 14 फरवरी रविवार को बजरंग दल द्वारा पूरे देश में ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी प्रकार ताल प्रखंड में भी ज्ञापन दिया गया और वहीं आरोपियों को तुरंत फांसी की सजा हो, ऐसा सभी का कहना है। रिंकू शर्मा के परिवार की सुरक्षा व आर्थिक रूप से मदद की जाए, यह भी उसमें संलिप्त है। रिंकू शर्मा की हत्या होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात को लेकर पूरे देश में उबाल देखने को लगातार मिल रहा है। देखिए संवाददाता पूर्णचंद सेन की यह विशेष रिपोर्ट। जो आपने आज ज्ञापन सौंपा ताल थाने पर, किस विषय में सौंपा और कई ये 14-10 फरवरी को जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई मंगलपुरी दिल्ली में, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया। कब हत्या हुई? R9 भारत के लिए पूर्णचंद सेन की रिपोर्ट, रतलाम मध्य प्रदेश।